बॉडी बिल्डर, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में इन बॉडी बिल्डर्स की परफेक्ट शेप छप जाते होंगे और यही शेप आपको इनके जैसा बनने के लिए इंस्पायर भी करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी लाइफ से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करने। दोस्तों, आजकल यूथ में एक परफेक्ट शेप कमाल की बॉडी पाने की जैसे होड़ सी लग गई है। एक टाइम था जब एक धांसू बॉडी सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के पास ही हुआ करते थे, लेकिन आज इन बिल्डर्स की तरह हर एक युवा स्ट्रांग और कमाल की बॉडी चाहता है और जिम की तरह भागता है, लेकिन इन प्रोफेशनल्स के जैसा शेप पाना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पे हमें लगने लगता है कि धांसू बॉडी वाले बिल्डर्स पूरा दिन जिम ही करते होंगे या प्रोटीन शेक ही पीते होंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट शेप और मसल्स को मजबूत करने के लिए बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेरॉइड्स क्या होता है, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हम आपको जिम जाने और एक्सरसाइज करने के फायदे नहीं, बल्कि इस दुनिया में छिपे हुए काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसा काला सच जो इलीगल होते हुए भी इन बिल्डर्स और जिम ट्रेनर्स की पहली पसंद बना हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी की एक से बढ़कर एक धांसू पिक्चर्स सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पे डालते ही रहते हैं। इन बिल्डर्स को अपनी बॉडी से बहुत प्यार होता है और इनकी बॉडी ही इनके लिए सब कुछ होते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे भी कई बॉडी बिल्डर्स को अपनी एक से बढ़कर एक सॉलिड फोटोज डालते हुए देखा होगा। पहले तो बॉडी बनाने का क्रेज सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था, लेकिन अब इस दौड़ में महिलाओं ने भी जंप मारनी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन फिटनेस मॉडल्स को देख के ये सोचते हैं कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए पूरा दिन जिम और अपनी डाइट को बहुत मजबूत रखते होंगे, या मार्केट में किसी चमत्कारी प्रोटीन डाइट के बलबूते पे इन्होंने ऐसी इनक्रेडिबल बॉडी शेप पाई है, तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं होता है, न ही इंसान पूरा दिन जिम में ट्रेनिंग कर सकता है, क्योंकि जब ये बिल्डर्स जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ये अपनी बॉडी पे हद से ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बैक पेन, मसल पेन हर वक्त रहता है, और ऐसे में किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा दिन जिम में ट्रेनिंग कर सके। इसके अलावा इन्हें प्रोटीन शेक के साथ हेवी डाइट की भी जरूरत होती है, ये सिर्फ प्रोटीन शेक पे डिपेंड नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये प्रोफेशनल मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया खाते हैं जिससे इनकी बॉडी फिट और टोन रहते हैं, तो इसका जवाब है स्टेरॉइड्स। दोस्तों, स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा काला सच है जिसे आमतौर पर इलीगल और गलत माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी बड़े बड़े जिम में ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, बशर्ते आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स काफी महंगे होते हैं, क्योंकि इन्हें इलीगली ही बेचा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को पता चला कि आपके पास स्टेरॉइड्स है तो सीधा अंदर की टिकट कटेगी, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट सब जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्टेरॉइड्स क्या है और इसको बॉडी बिल्डिंग की डार्क साइड से क्यों रिलेट किया जा रहा है। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्टेरॉइड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का एक सिंथेटिक वर्जन है जो ह्यूमन बॉडी की पावर बढ़ाने और मसल्स की पावर बढ़ाने में यूजफुल होता है, यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिन्हें एनाबॉलिक भी कहते हैं, ये आपकी बॉडी को बाहर से तो बहुत मजबूत और अट्रैक्टिव बना देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये आपको बहुत सी बीमारियों की चपेट में ले जा सकते हैं। इसके फायदे तो हैं, लेकिन इसके साथ इनके नुकसान भी बहुत हैं। ये तो हम जानते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी में मसल्स की पावर और वजन बढ़ाने की चाहत सबसे ज्यादा होते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में वो स्टेरॉइड जैसे प्रोडक्ट का सेवन करते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। युवाओं की जरूरत को देखते हुए ही ज्यादातर मेडिसिन कंपनियों ने अब स्टेरॉइड का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसे बहुत ही महंगे दामों पे बेचा जाता है। फिटनेस से अल्टीमेट फिटनेस का क्रेज भी यूथ को स्टेरॉइड की तरफ आकर्षित करता है। इन फिटनेस मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स के लिए इनकी बॉडी की फोटो ही सब कुछ है, ये स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि आज बिना इन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के इस्तेमाल के बॉडी बिल्डिंग कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स में आपके शरीर पे मुहासे पड़ने लगते हैं। पीडी लेना, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन, इसका उपयोग करने वाले लगभग सभी लोगों के कंधे, छाती और पीठ पे मुहासे डेवलप होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्मोन त्वचा के होल्स में इंटरफेयर करते हैं। कुछ मामलों में तो हार्मोन्स के इन होल्स में इंटरफेयर करने की वजह से इस जगह पे निशान या निशान छोड़ते हुए गंभीर मुहासे भी देखे जाते हैं। बॉल्डिंग यानी गंजापन, दोस्तों आपको बता दें कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से लोगों में गंजापन की शिकायत को भी देखा गया है। जैसे जैसे कुछ स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, ये पुरुषों में कम होने वाली हेयरलाइन या गंजापन के लिए अधिक पुश करते हैं। स्टेरॉइड लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को गंजेपन का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो पहले से ही अपने बालों को खो रहे हैं या जिनकी हेयरलाइन पतली है, वो हो सकता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड के उपयोग से लगभग पूरी तरह से गंजे हो जाएं। इसके अलावा टेस्टिकल श्रिंक यानी अंडकोश सिकुड़ना भी इन लोगों में देखा गया है, जो इन्हें नपुंसक तक बना सकता है। इंजेक्शन से टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि के कारण एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन का संतुलन बिगड़ जाता है, इससे आपके अंडकोश सिकुड़ सकते हैं। ये ज्यादातर स्टेरॉइड के रेगुलर यूज के कारण देखा जाता है।
इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड के रेगुलर उपयोग से प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन पूरी तरह से बंद हो जाता है, जो अंततः आपको हाइपोगोनाडिज्म की तरफ ले जाता है। वहीं ब्रेस्ट साइज पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड के उपयोग के कारण शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जो ब्रेस्ट में वृद्धि का कारण बन सकता है। इससे स्तन ग्रंथि या स्तन उत्तक विकसित होते हैं और ये स्तन का आकार बढ़ाते हैं। जब ऐसा होता है तो बहुत सारे पुरुष स्तन उत्तक विकसित करते हैं और इससे पुरुष स्तन और गायनों का निर्माण हो सकता है। हार्ट से जुड़े बीमारियों का खतरा। हार्ट पर स्टेरॉइड के उपयोग के कुछ दुष्प्रभाव हैं हृदय का बढ़ना, धमनियों का सख्त होना, हाई ब्लड प्रेशर और LDL में भारी वृद्धि। इन दुष्परिणामों की एक निश्चित डिग्री आमतौर पर पूरे मंडल में देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड आपके लेवर को भी उसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि रोजाना पीने पर शराब पहुंचाते हैं। बहुत गंभीर स्थितियां दुर्लभ हैं, लेकिन वे भारी दवा उपयोगकर्ताओं के एक निश्चित प्रतिशत में होती ही होती हैं। जो बीमारी ज्यादातर स्टेरॉइड यूज कर रहे लोगों में देखी गई है वो है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। रिपोर्ट्स लगातार बताते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग आपके नेचर और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। एक शोध से पता चला है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने वाले एथलीटों में मिजाज खराब होना और अवसाद का खतरा 20% अधिक था, जिसकी वजह से आक्रामकता या क्रोध में वृद्धि भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि एक बॉडी बिल्डर ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो घर आने में सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए, और इसका ब्लेम इस बॉडी बिल्डर ने अपने स्टेरॉइड यूज पे ही लगाया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बॉडी बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप स्टेरॉइड के सेवन से खुद को दूर रखें। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।